हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 15 लाख की लूट हुई है। पुलिस जांच में जुटी है। सदर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लूट हुई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, फाइनेंस कंपनी में लूटपाट की घटना हुई है, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए? जी, अभी जो है पुलिस के जो डीएसपी है टाउन, वो मौके पर मौजूद है। अभी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में ही है और जी, जो क्यूआरटी का टीम है वो साथ में है। स्थानीय एसएचओ सहित कई एसएचओ है साथ में, जो सीसीटीवी फुटेज संभाल रहा है लोग। लेकिन आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं है। जो कंपनी द्वारा जो सीसीटीवी लगाया गया तो बिल्कुल लो क्वालिटी का कैमरा है, जिस कारण से जो अपराधियों का जो चेहरा है वो क्लियर नहीं, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आया है। पास के होटल में भी, बहुत बड़ा होटल है, उसमें भी है, साइड की गली से जो निकल भी गया है अपराधी। थी मात्र 3 अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जो अमाउंट बताया जा रहा है वो 15,27,000 रुपए की अमाउंट जो खुलकर अभी सामने आई है, जो एक पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इतने अमाउंट है। लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर मात्र 3 लोग और इतने बड़े आराम से निकल जाते हैं वो। या आपको बता दें दूसरी चीज, जो ऊपर जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर नीचे है वो दुकान है, उसके ऊपर जो कंपनी है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों को ये पता नहीं थी कि ऊपर कंपनी ने लूट हुई है, और ना ही किसी कोई भी जो लोग थे यहाँ पे मौजूद वो पुलिस अधिकारी को भी कॉल किए थे। तो मामला जो है वो काफी संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से लोग जो है फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, और पुलिस को सूचना नहीं देना, और पुलिस आने के बाद एक मुस्कुराहट भरे लहजे में कहना कि सर लूट हो गया है, तो ये तमाम चीजें जो है ये बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। लूट हुई तो उसका कुछ ना कुछ टीकन तो लोगों को होना चाहिए, क्योंकि लूट में जो है वो ज्यादातर खेल जो है वो इंश्योरेंस का खेल चलता है। तो आपको बता दें कि ये लूट जो है ग्राहकों के पैसे की लूट है ना। बिल्कुल, तो ग्राहकों के पैसे की लूट है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पुलिस जांच में जुटी हुई है और 15,27,000 की लूट हुई है। हालांकि सीसीटीवी खराब क्वालिटी के लगे होने की वजह से अपराधियों का जो चेहरा स्पष्ट तौर पर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस फिर भी जाँच कर रही है जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की। जमशेदपुर के गोलमुड़ी काली मंदिर में सीएम रघुवर दास ने पूजा अर्चना की। उसके बाद गोलमुड़ी मंडल की बैठक कर रहे हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम रघुवर दास दौरे पर है जमशेदपुर के, और जिस तरह से चुनाव को लेकर के भी तमाम कार्यकर्ताओं से बैठक में भाग लिया और चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर के टिप्स दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जमशेदपुर के गोलमुड़ी काली मंदिर में सीएम रघुवर दास ने पूजा अर्चना की। उसके बाद वे बैठक में शामिल होंगे, चुनावी तैयारियों की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जिस तरह से विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के किस तरह तैयारी की जाए उस पर भी टिप्स देंगे। तो काली मंदिर में सीएम रघुवर दास ने पहले पूजा अर्चना की है और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, बैठक में वे शामिल होंगे। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे और रणनीति बनाने पर भी चर्चा करेंगे, किस तरह से चुनावी तैयारियों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी और उसके बाद चुनावी टिप्स देंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सीएम रघुवर दास गोलमुड़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव की जो तैयारी होगी और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। निश्चित तौर पे ये मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है जमशेदपुर में और 3 दिनों तक वो शहर में ही रहेंगे। और इस दौरान आज हालांकि पहला दिन है, पहला दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र के 4 मंडल जो इलाका है मंडलों के साथ बैठक करेंगे अलग अलग। पहले अभी तो गोलमुड़ी शुरू हो चुका है, इसके बाद अब ये केलको जाएंगे, केलको जाने के बाद सीधे केलको के बाद ये बिरसा नगर और बिरसा नगर के बाद काशी पहुंचेंगे। तो 4 मंडल का जो इलाका है, 4 मंडलों में ये इनका आज ये कार्यक्रम है और जिसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, तैयारियां यूँ कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है इनमें काफी उत्साह भी है। जी बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 3 दिन का दौरा है जमशेदपुर का सीएम रघुवर दास का। तमाम जानकारी के लिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद।
तो झारखंड में नहीं थम रहा है मॉब लिंचिंग की घटनाएं। बच्चा चोरी के आरोप में चार जगह पिटाई हुई है। निरसा में युवक की मौत हो गई है और मानसिक रूप से विक्षिप्त था जो युवक था वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रामगढ़, निरसा, लातेहार और गिरिडीह की, जहां पे मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। और आपको बता दें कि इसमें एक व्यक्ति की भी मौत हुई है, मानसिक रूप से विक्षिप्त था मृतक और जिसकी मौत हो चुकी है। तो लगातार झारखंड के कई जिलों में मॉब लिंचिंग की घटना की खबरें सामने आ रही है। बच्चा चोरी के आरोप में कल की बात करें तो कल चार घटनाएं सामने आई हैं कि बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पकड़ के पिटाई की जाती है। हालांकि लातेहार में एक महिला की पकड़ के पिटाई की गई है, हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रामगढ़ के विकास नगर में बच्चा चोरी के आरोप में युवक को बांधकर पिटाई की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाया। सदर अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। धनबाद के निरसा में बच्चा चोरी के शक में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक प्रथम सिंह रंगामाटी का रहने वाला है। परिजनों का कहना है कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं गिरिडीह में भी जो मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, गांवा थाना क्षेत्र के करसाना में भी बच्चा चोरी के अफवाह में बीएसएनएल का केबल बिछा रहे संवेदक के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने उसकी पकड़ के उसकी पिटाई की और ग्रामीणों ने कर्मचारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्थानीय लोग और पुलिस की तत्परता से चारों कर्मचारी की जान बची। चारों घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी लेके बोला कि भाई चले पकड़ा है क्या कि नहीं, क्या काम कर रहे, दिखाइए गाड़ी, अंदर में देखने जा रहा है। अंदर में देखने वाला तो कुछ नहीं, तब बोला ठीक है भाई, फिर वहाँ पर लेके स्टॉक को बोल रहा है कि हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा है, वहाँ साथ में तो हम गाड़ी घुमा के सीधा चल गए। सीधा चल गए तो वहाँ आदमी को पूरा पत्थर का शीशा मारने लगा, शीशा मेरा मुँह के अंदर जो गर्मी है उसको गर्मी के बच्चा चोर समझ कर घेरे हुए है और मारपीट करने पर उतारू है। इस सूचना पर दलबल के साथ मैं गया तो वहां पर उसे सुरक्षित बचा। मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी की अफवाह में पिटाई हुई है। जनप्रतिनिधियों ने लोगों ने युवक की जान बचाई और मीनापुर थाना इलाके की यह वारदात है। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी की अफवाह में एक युवक की पिटाई की गई है और जनप्रतिनिधि ने लोगों से युवक की जान बचाई। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मीनापुर में यह मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह में एक युवक की ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पिटाई की है। बेगूसराय में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में एक युवक की पिटाई कर दी। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने संदेहास्पद स्थिति में एक युवक को पकड़ लिया और बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने उसको बंधक बनाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है, लेकिन काफी चोट की वजह से युवक अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। हाजीपुर के महनार में एक 80 वर्षीय महिला रजिया देवी ने पेटी में 1,500 के 10,000 पुराने नोट मिले हैं। बताया जा रहा है कि रजिया देवी 25 वर्षों से महनार में मजदूरी करती थी, लेकिन पति के मौत के बाद से वह विक्षिप्त की तरह रहने लगी थी। आसपास के लोग ही उसे भोजन पानी देते थे। देर रात अचानक बुजुर्ग महिला चिल्लाने लगी कि उसका पैसा चोरी हो गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके घर में रखा एक बोरे में को बाहर निकाल कर खोला। बोरा खुलते ही उसमें से 1,500 और 10-10 के नोट बरामद किए गए। इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, नोटबंदी के बाद भी पुराने नोट बरामद किए गए हैं हाजीपुर के महनार से एक महिला के घर से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, हालांकि इसकी सूचना दे दी गई है, स्थानीय थाना को भी दे दी गई इसकी सूचना, ताकि ये नोट है, अब ये नोट जो बंद हो चुका है, ये तो प्रतिबंधित नोट है, इसे रखना भी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है कि एक महिला है जिसके पास से 10,000 के
पुराने नोट मिले हैं जिसमें 1000 और 500 के पुराने नोट हैं। ये बता दें कि ये महिला अपने पति की मौत के बाद विक्षिप्त हो गई थी और वो पति से अपनी मजदूरी का जो रकम था वो छिपा के रखती थी, लेकिन आज अचानक सुबह में चोरी का लगा कि उनको उनके पेटी से कोई पैसा निकाल लिया है। इसको लेकर के शोर मचाने लगी, तब आस पास के लोगों ने जब पेटी को खोला तो उसमें पुराने कई नोट मिले हैं, तकरीबन 10,000 रुपए के पुराने नोट हैं और टोटल उनके पेटी से 28,000 का नोट, 28,000 रुपया कुल रकम मिला है जो बताया जा रहा है। तो ये रजिया देवी है, हालांकि जो पुराने नोट हैं इसको लेकर के अब लोग ये लगा जा रहे हैं कि ये नोट तो बदल हो नहीं पाएगा, तो स्थानीय प्रशासन सूचना दे दी गई है कि इस तरह के इनके पास नोट मिले क्योंकि महिला विक्षिप्त है और इसके पास नोट है, तो इसकी जानकारी दे दी गई है कि घटना को लेकर के जिस तरह से रुपए छिपा हुआ था तो लोगों में काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि विक्षिप्त महिला के पेटी में इतना रकम 28,000 रुपया मजदूरी का उसका जो मेहनतनामा था वो उसके पेटी में मिला है, लेकिन विक्षिप्त होने के कारण जब नोटबंदी हुई थी जिसकी जानकारी शायद उस महिला को नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से उनके उसके पास पुराने नोट 10,000 रुपए कुल जो नोट हैं, जो पुराने नोट हैं उसके पास रह गया, तो उनकी मजदूरी का रकम भी अब 10,000 रुपया नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल पंकज, तो ये पूरे जो पैसे बरामद किए गए हैं उसका हिसाब नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से पुराने नोट बरामद किए गए हैं उसकी वैल्यू नहीं होगी, इस तरह के काले धन का हिसाब कौन देगा। तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत बहुत धन्यवाद। कोडरमा में जेएमएम की बदलाव यात्रा होगी, ब्लॉक मैदान में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो जेएमएम की बदलाव यात्रा शुरू है, कोडरमा में शुरू की जाएगी और ब्लॉक मैदान में यह बदलाव यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मसौढ़ी में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण उसके ही ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने कर लिया। घटना भैसवा पंचायत के पकड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि कक्षा 8 की छात्रा जब पढ़ने मलकाना मोहल्ला निवासी शिक्षक सोनू कुमार के यहां गई थी, इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने अपने माँ और बहन की मदद से छात्रा को लेकर फरार हो गया। छात्रा की माँ ने मसौढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है कि बेटी की सकुशल बरामदगी की भी गुहार लगाई है। परिजन लगातार थाना का चक्र लगा रहे हैं और अपनी बेटी की वापसी के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। हाजीपुर में हुए तेजाब कांड से पीड़ित 16 लोग पिछले एक सप्ताह से हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती हैं, मगर डर से घर वापस जाना नहीं चाहते हैं। उनको डर है कि आरोपी उसे जान से न मार दे। दरअसल तेजाब कांड की घटना को अंजाम देने वाले 11 आरोपी में से पुलिस ने 5 आरोपी को ही गिरफ्तार किया है। पीड़ितों का कहना है कि जब तक बचे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक वह घर वापस नहीं जाएंगे। पीड़ितों ने बताया कि घटना को अंजाम देते समय उसे धमकी दिया गया था कि पुलिस में FIR करेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तेजाब कांड की घटना वैशाली थाना के दारूद नगर गांव में एक सप्ताह पहले हुई थी। ये आदमी भागा हुआ है, वो गिरफ्तार नहीं होगा घर जाने के बाद, तो रात में कई बजे आएगा कई बजे नहीं आएगा, आके हम लोग के ऊपर अटैक कर देगा फिर भाग जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। घर भी उतना सही नहीं। रामपुर के सपा सांसद आजम खान की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। उसके रिसोर्ट में प्रशासन ने छापेमारी की, जहां चोरी से बिजली जाने का मामला सामने आया। अधिकारियों को आजम खान के हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी किए जाने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले में बिजली विभाग को सूचित किया और मानकों के अनुरूप न मिलने पर जो रिसोर्ट है में आ रही बिजली के तार भी काट दिए गए। शिकायत हुई थी कि यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसका अवैध ढंग से पूरा पानी सप्लाई इनके यहाँ हो रहा है हम सफर में, तो उसी की जांच के लिए हम लोग जल निगम के FCN साहब को लेके हम आए थे, तो उन्होंने इसकी जांच की है। अब इसका ये देखना है कि इस पानी की कनेक्टिविटी वैध है या अवैध है, ये अभी नगर पालिका से दिखवाने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। बिजली कुशीनगर जिला अस्पताल में अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। अस्पताल परिषद में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं
जी ये नजार नालियों से आ रही दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। सूचना पर मौके पर पुलिस ने आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पुलिस को पकड़े गए बदमाश राहुल की काफी दिनों से तलाश थी और उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। हापुर में पुलिस कार्य प्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिषद का मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि नगर कोतवाल महावीर चौहान अधिवक्ताओं की एकता के सामने झुकते नजर आए। देवघर से बड़ी खबर, जहां पे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 21 मोबाइल फोन, 8 एटीएम और एक कार बरामद की गई है। तो देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 11 साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि साइबर अपराधी के पास से 21 मोबाइल फोन, 8 एटीएम और एक कार बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और साइबर अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 8 एटीएम और एक कार बरामद की गई है। तो देवघर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है और साइबर अपराधियों के पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, साथ में एक कार भी बरामद किया गया है। इसी के साथ इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कशिश न्यूज़, खबर भी, असर भी।